नमस्कार दोस्तों, मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पे स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अच्छी खासी जगह पे यहाँ पे जॉब निकल के आ चुका है दोस्तों, औरंगाबाद बेंच के लिए। तो क्या सैलरी रहेगी, कितनी फ़ीस भरनी पड़ेगी एप्लीकेशन के लिए और क्या लास्ट डेट रहेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों चलते हैं डायरेक्टली पीडीएफ फाइल पे कि ऑफिशियल नोटिस पेपर में हम लोग देखेंगे कि कौन सी पोस्ट है, क्या क्या उसमें चीज़ें देखने को मिलती है। चलो देख लेते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस एट मुंबई बेंच एट औरंगाबाद। मुंबई हाई कोर्ट की ये जॉब्स निकल के आ चुकी है औरंगाबाद बेंच के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पोस्ट है वो पोस्ट है स्टेनोग्राफर हाई ग्रेड मतलब एचजी के लिए और स्टेनोग्राफर एलजी के लिए लोअर ग्रेड के लिए। तो हम लोग डिस्क्रिप्शन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले बात करते हैं सैलरीज की। तो जो स्टेनोग्राफर हाई ग्रेड की सैलरी है वो यहाँ पे मिलती है 41,800 से लेके 1,32,300 रुपये तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं सामने ही है। और दूसरी चीज़ है जो लोअर ग्रेड की स्टेनोग्राफर चाहिए उनके लिए यहाँ पे सैलरी मिलती है 38,600 से लेके 1,22,800 रुपये पर मंथ। दोस्तों अच्छी खासी सैलरी है तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे एज की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट का एज मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए मतलब 21 साल, और मैक्सिमम यहाँ पे 30 ईयर्स मतलब 38 ईयर्स होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। और जो भी रिलैक्सेशन हो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों आगे चल के एक एक चीज़ें विस्तार से जान लेते हैं। यहाँ पे एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर के लिए डिग्री होना ज़रूरी है, अगर लॉ में डिग्री है तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बाकी कुछ और यहाँ पर है तो आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं, चांसेस दूसरे लोगों के भी है। और जो लोअर ग्रेड है उसके लिए भी सेम, यहाँ पर यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए, लॉ में है तो बेटर है, आपको ज़्यादा चांस मिलने का मतलब ऑप्शन रहता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको स्टेनोग्राफर की पोस्ट होने की वजह से आपको यहाँ पे टाइपिंग का स्पीड आना ज़रूरी है तो, और शॉर्ट हैंड का भी स्पीड आना चाहिए। तो शॉर्ट हैंड में आपका 40 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग में होना ज़रूरी है। तो अगर आपका उतना है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और चलो आगे बात करते हैं और कुछ चीज़ों के ऊपर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट जो रहेगी वो टेस्ट होगी कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिक ऑफ एग्जामिनेशन इन शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड की एग्ज़ाम होगी, टाइपिंग की होगी एंड वीवा वॉइस की होगी। तो इसके ऊपर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने का चांस है, उसी के ऊपर ही आपका सिलेक्शन होगा। अभी स्टेनोग्राफर हायर ग्रेड के लिए तो क्या क्या चीज़ें जरूरी होगी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ टू पैसेज सॉरी डिक्टेशन ऑफ टू पैसेज इन इंग्लिश कंटेनिंग टोटल 500 वर्ड। 500 वर्ड का एक आपको यहाँ पे पैराग्राफ मिलेगा, उसको ट्रांसक्रिप्शन करना है और असर्टन द स्पीड इन शॉर्ट हैंड। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आपको 40 रहेंगे और आपको पासिंग के लिए यहाँ पे 24 मार्क्स मिलना ज़रूरी है 40 में से। और ड्यूरेशन आपको 5 मिनट का मिलेगा यहाँ पे डिटेक्शन के लिए और 30 मिनट का मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये एग्ज़ाम कम्प्लीट करनी होगी। दूसरा पार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश कंटेनिंग 400 वर्ड आपको मिलेंगे टाइपिंग के लिए, असर्टिंग द स्पीड इन टाइपिंग तो आपको यहाँ पे 40 मार्क रहेगा और आपको कम से कम यहाँ पे पासिंग के लिए 20 मार्क्स मिलना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन मिलेगा 10 मिनट, आप 10 मिनट में यहाँ पर आपको कम्प्लीट करना है। और वीवो हॉर्स के लिए आपको यहाँ पर 20 मार्क्स रहेंगे। तो इस तरह से आपका शेड्यूल रहेगा सिलेक्शन का। लोअर के लिए भी सेम है, यहाँ पर 400 वर्ड्स रहेंगे पैसेज के इंग्लिश कंटेनिंग के और वो ट्रांसक्रिप्शन टू असर्टेन द स्पीड इन शॉर्ट हैंड एंड मैक्सिमम मार्क्स आपको इसके लिए रहेंगे 40 और मिनिमम पासिंग मार्क्स रहेंगे 20, आपको 20 मिलना ज़रूरी है और 5 मिनट का आपको यहाँ पे ड्यूरेशन मिलता है। और दोस्तों इस तरह से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो चलो इम्पोर्टेंस और क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं हमने अभी तक। हाँ, मेन बातें बात करते हैं यहाँ पे कि जो डेट्स हैं एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हुआ है। तो एप्लीकेशन यहाँ पे 18 फरवरी को हो चुका है, आज 20 फरवरी है, 2 दिन हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 5 मार्च आपको मिलती है। तो अभी काफ़ी समय है, 5 मार्च तक आप जल्दी से अप्लाई कर लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना ज़रूरी है। बाकी चीज़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आपके फ़ोटोज़ की साइज़ पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है जो छोटी छोटी चीज़ें इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा।
वो JPG या JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, 40 KB के अंदर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको पहले पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद में आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे। और प्रोसीजर क्या रहेगी, देखिए तो यहाँ पे लिखा है प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन पेमेंट, आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा। किस तरह से करना है, यहाँ पे लिखा गया है क्लिक ऑन माय अकाउंट टैब ऑन टॉप लेफ्ट, और उसके बाद में क्लिक ऑन माय अकाउंट सिलेक्ट माय एप्लीकेशन एंड देन सिलेक्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और उसके बाद में आपको पेमेंट शुड बी डन बाय ऑनलाइन मोड ओनली, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। अंडर सेक्शन ऑप्शन उधर मिलेगा आपको पे ऑनलाइन, उसके ऊपर जाके आपको वहाँ पे पेमेंट करना है। अभी फॉर्म भरते टाइम आपको यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दी गई है कि आपको यहाँ पे जो मार्क्स है वो आपको पहले SSC के, बाद में HSC के, बाद में ग्रेजुएशन के, बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के, इसी सीक्वेंस में आपको डालने हैं, ऊपर नीचे नहीं करना है, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है, तो इस तरह से ही आपको यहाँ पे करना है। तो ये चीज़ें हो गई आज के एडवर्टाइज की, मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। अगर कुछ रह गया हो तो आप नीचे वेबसाइट लिंक पे जाके, वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों एक बार वेबसाइट को भी जरूर विजिट कीजिए, ताकि वहाँ पर भी आपको बहुत सारे जॉब्स के बारे में न्यूज़ मिलेगी, वहाँ पर आप जा पढ़ के वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों को भी गवर्नमेंट जॉब की इच्छा होगी, अगर वो भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगे तो उनको भी पता होना चाहिए कहाँ पे गवर्नमेंट जॉब निकली है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिए दोस्तों के साथ में। और दोस्तों ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब के अगर आप पाना चाहते हो तो सर्च करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नए जॉब के साथ में, नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।